लो फिर सूर्या कुमार यादव ने किस तरह की बैटिंग की है, बजा के रख दिया, घंटा बजा दिया, बाज बजा के डंडे दिए हैं अंदर साउथ अफ्रीका के, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और आज उन्होंने बजा के रख दिया साउथ अफ्रीका की, बजा के रख दिया साउथ अफ्रीका की, मार मार के, मार मार के, मार मार के दुम्बा बना के रख दिया, बरकस निकाल दिया 56 बॉल। सो दिस इज द T20 बैटिंग। बाबर आजम अपने सूर्य कुमार यादव अब्बू से सीखो कि T20 बैटिंग कैसे होती है। 12वें ओवर के मार्क पे सूर्या कुमार यादव 29 बॉल्स में 35 रन पे पहुंचा था, 55 बॉल्स में से अपनी सेंचुरी मुकम्मल किया। जस्ट लुक एट द ब्लडी एक्सेलरेशन, इट्स अ लेसन फॉर ऑल दोस T20 बैटर्स हु वांट टू मेक अ मार्क फ्रॉम देमसेल्फ इन द T20 क्रिकेट। भैया 30 बॉलों में 35 रन बनाए सूर्या कुमार यादव ने, और आपके बाद वहां से एक्सेलरेशन देखिए कि अगली 25 बॉलों के अंदर सूर्या कुमार यादव ने 65 रन जोड़े। इसको वो विराट कोहली वाली बात याद आई है कि विराट कोहली अक्सर ये बोलते हैं कि यार सूर्या जब खेलता है ना ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम चल रहा है, तो वही बिल्कुल सीन लगा, ये छक्का ठक करके छक्का ठक छक्का ठक चौका, बस ऐसे ही जो है सूर्या की बैटिंग चलती रहती है। और यकीन माने मैंने जिस तरह से शॉट्स खेलते हुए इसको देखा हुआ है ना, मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा है। सुपर कमाल बैटिंग किया भाई सूर्या ने, 8 छक्के मार दिया भाई, 8 छक्के 7 चौके 56 गेंदे और सेंचुरी मार दिया। टेक अ बो सूर्या कुमार यादव, आज उसने तारीख रकम कर दी, आज अफ्रीकन गेंदबाजों का भुर्गस निकाल के रख दिया भाई। और एक नया अब्बू आ गया अब आपका T20 क्रिकेट में, मिस्टर 360 सूर्या कुमार यादव, एक ओवर में 4-4 छक्के मारे हैं, मतलब छक्के पे छक्के पे साउथ अफ्रीका को छक्का बना दिया मार मार के। हमारा किंग है, हमारा बाबर आजम बॉब्जी द गटर किंग है, और तुम्हारा किंग नहीं है, तुम लोगों का टट्टी किंग है। असल T20 का बैटर ये होता है, ये परफॉर्मेंस होती है यार। एक एक किंग देख लो फिर सूर्या कुमार यादव ने किस तरह की बैटिंग की है। 100 ठोका एशिया में नहीं, और एशिया में नहीं 100 ठोका साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जिधर हमारी टीम खेलने जाए ना तो 10 मैचों में इनका 100 रन नहीं होता, वो खेला एक मैच में 100 ठोके है, और वो भी T20 क्रिकेट में, जिसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनल HD में बजाना घंटा, वो आज स्काई ने किया साउथ अफ्रीका के साथ। लिटरली मैं बोलूं ना, अगर घंटा लफज अगर किसी पे सूट करता है ना तो वो आज सूट करता है साउथ अफ्रीका पे, क्योंकि बजा के रख दिया, घंटा बजा दिया, बाज बजा के डंडे दिए हैं अंदर साउथ अफ्रीका के, इसे कहते हैं घंटा बजाना। और आज उन्होंने बजा के रख दिया साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका को समझ नहीं आ रही कि स्काई को बहाल किधर करें, उनको ये नहीं पता कि सूर्या कुमार यादव को बहाल किधर करनी है, लेकिन उनको ये पता था कि ये तो मरीज बजा रहा है, इसको जिधर भी करेंगे ये छक्के मारेगा, ये चौके मारेगा, ये डंडा लेगा, ये घंटा बजाएगा, बेटा ये घंटे के साथ साथ छनकना भी बजाएगा ना। तो बेटा सूर्या कुमार यादव ना बेटा T20 क्रिकेट का अब्बू है, वो T20 क्रिकेट का अब्बू है, वो T20 क्रिकेट का, बजा के रख दिया आज साउथ अफ्रीका की। मुझे बताओ ना किस बॉलर को नहीं मारा, और भाई एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहा था स्काई, एक ओवर में 4-4 छक्के मार रहा था सूर्या कुमार यादव, और वो T20 क्रिकेट का नंबर वन बैट्समैन है। एक टाइम पे जी हमारा बाबर आजम भी T20 क्रिकेट का नंबर वन बैट्समैन था, बेटा स्काई ने आज एक ओवर में 4-4 छक्के मारे हैं, मतलब छक्के पे साउथ अफ्रीका को छक्का बना दिया मार मार के, क्योंकि स्काई ने तो आज सबकी बजा के रख दिया, स्काई ने आज हर बंदे की ले लिया, स्काई ने आज हर बंदे का घंटा पकड़ के बजा दिया। सुबह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा बजाया, रात को इंडिया ने साउथ अफ्रीका का घंटा बजा दिया, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बस घंटा इज परमानेंट। और एक नया अब्बू आ गया अब आपका T20 क्रिकेट में, मिस्टर 360 सूर्या कुमार यादव, बेटा वो है आपका पीछे अब्बू, वो है अब्बू यार, मुझे बताओ वो T20 क्रिकेट का हीरा है, अल्लाह की कसम स्काई से बेहतर इस टाइम T20 क्रिकेट में कोई भी नहीं है। T20 में आते हैं लोग फ्लैश अराउंड करते हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने T20 में सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, अपना मकाम नहीं बनाया, T20 नंबर वन बैटर फॉर अ रीजन, फोर्थ T20 इंटरनेशनल 100, आज ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा के साथ वो रिकॉर्ड बराबर किया, बट क्विकेस्ट 57 इनिंग्स के अंदर आज सूर्या ने वो रिकॉर्ड बना लिया जो कि शायद अभी करंटली ग्लेन मैक्सवेल के पास 92 इनिंग्स में 4 सेंचुरीज हैं, 98 इनिंग्स में बाबर के पास 3 सेंचुरीज हैं, रोहित शर्मा के पास 140 इंटरनेशनल इनिंग्स में 4 सेंचुरीज हैं। But Sky is a big man, a big show, a moment when he comes down to the T20 cricket, ये बंदा एक अजीब ही इसके अंदर बैटरी लग जाती है। जहां इंडिया पहुंचा वहां सूर्या कुमार यादव 24 बॉलों में सिर्फ 26 रन बना के बैठे हुए थे 110 के स्ट्राइक रेट से, और सामने जो उनके यंगस्टर यशवी जायसवाल, इंडिया था 87/2 पे, सूर्या कुमार यादव के 24 बॉलों में 26 रन थे, लेकिन उस पॉइंट पे दूसरी तरफ अगर यशवी जायसवाल को आप देखें तो जिस तरह ही वो स्ट्राइकिंग अराउंड, यशवी जायसवाल हालांकि पिछले मैच में जल्दी आउट हो गया था, इट्स अ वेरी ड्राई विकेट, या ज्यादा बाउंस मौजूद नहीं था, कंडीशंस बड़ी ईज आउट थी बैटिंग के लिए, और यशवी जायसवाल यहां बिल्कुल चढ़ के आया, क्या कहते हैं
टीम साउथ अफ्रीका के ऊपर 41 बॉलों में से 60 रन की इनिंग खेली, 3 छक्के 6 चौके 146, उसके कॉन्ट्रास्ट में सूर्या कुमार यादव था जो 24 बॉलों में 26 रन, और लोग समझ रहे थे यार क्या हो गया, गियर नहीं से शिफ्ट हो रहा, क्यों नहीं है मार रहा। 11वां ओवर चढ़ता है सूर्या कुमार यादव वहां छक्का मारता है और फिर सूर्या कुमार यादव पलट के पीछे नहीं देखता, और सूर्या कुमार यादव जो 24 बॉलों में 26 बनाता है उसकी अगली 29 बॉल्स के अंदर वो 74 रन जोड़ के अपनी चौथी T20 सेंचुरी बना के अपनी टीम, क्योंकि अब वो कप्तान भी है। 18 जुलाई 2021 को जब इस लड़के ने डेब्यू किया था, आज 14 दिसंबर 2023 को जब ये अपने मुल्क की कप्तानी कर रहा है, तो जिस तरीके से इसने एक्सेलरेट किया आज की इनिंग, दैट इज अ लेसन फॉर ऑल दोस यंग बैटर्स कि भैया T20 क्रिकेट खेलनी है तो इतनी रिलेंटलेस, इतनी प्रिस्टीन टाइमिंग और इतना एंजॉय करके खेलना है। 12वें ओवर के मार्क पे सूर्या कुमार यादव 29 बॉल्स में 35 रन पर पहुंचा था, 55 बॉल्स में अपनी सेंचुरी मुकम्मल किया। जस्ट लुक एट द ब्लडी एक्सेलरेशन, इट्स अ लेसन फॉर ऑल दोस T20 बैटर्स हु वांट टू मेक अ मार्क फ्रॉम देमसेल्फ इन द T20 क्रिकेट। भैया 30 बॉलों में 35 रन बनाए सूर्या कुमार यादव ने, और आपके बाद वहां से एक्सेलरेशन देखिए कि अगली 25 बॉलों के अंदर सूर्या कुमार यादव ने 65 रन जोड़े। इसको मैं और सेग्रीगेट करता जाऊंगा तो आप लोग और परेशान होते जाएंगे कि जब वो फिलक वायो का ओवर आया जो 13वां ओवर था, 3 छक्के 1 चौका, वहां सूर्या कुमार यादव ने 22 रन लेके बोला कि भाई साहब हम वो बैटर हैं जो बॉलर के सामने झुकते नहीं, वरना बॉलर को सोचने पे परेशान करते थे। T20 फॉर्मेट में जब हम खेलने आते हैं तो बॉलर और बॉल भी हमसे कपकपाती है। 15.2 ओवर के मार्क पे वो जो नया इनका बॉलर खेला बर्गर, बर्गर क्या नरेंद्र हाँ पता नहीं क्या कहेंगे, बर्गर है बस वो, तो बर्गर को वो जो 15.2 मार्क के ऊपर उसने वो हिप हाई बॉल को, लेंथ बॉल पड़ी है हिप हाई है, और वहां से जिस तरह उसने वो आउटरेजियसली फ्लिक शॉट खेला फॉर टुवर्ड्स the leg boundary for a fine leg boundary for a six, that was a bloody unbelievable shot, and that is a trademark Surya Kumar Yadav shot jo aaj ki cricket ki current duniya mein ya to AB de Villiers khelte the ya Surya Kumar Yadav ne South African bowlers pe qiyamah da ke rakh diya bhai jaan, maar maar ke dumba bana ke rakh diya, barkas nikal diya 56 ball. So this is the T20 betting. Babar Azam apne Surya Kumar Yadav abbu se seekho ke T20 betting kaise होती है। मिस्टर 360 यार ग्राउंड का कौन सा कोना है जहां पे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की बैंड ना बजाई हो, जहां पे लंबे लंबे छक्के ना लगे हो, जहां पे उनका बरकस ना निकालो यार, मुश्किल कंडीशन साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, बहुत अरसे बाद ऐसी डोमिनेशन देखने को मिली है। जो ये हमारा बाबर घंटा है, पाकिस्तान का बाबर घंटा, सो का नंबर वन किस्म का एक्सपोज हुआ पड़ा है इस घंटे के फैन। हमारा किंग है, हमारा बाबर आजम बॉबजी द गटर किंग है, और तुम्हारा किंग नहीं है, तुम लोगों का टट्टी किंग है। T20 का बेटर ये होता है, ये परफॉर्मेंस होती है यार, वो घंटा तुझे ना डोमिनेशन का लफ्ज ही आता है ना, असल डोमिनेशन ये होती है यार। सूर्या कुमार यादव नाम तो आपने सुना होगा भाई, और काम तो जब जब ये बंदा खेलता है ना, ये अपना दीवाना बना के छोड़ देता है, जिस तरह से सूर्या कुमार यादव जो है बैटिंग करते हैं। आज फिर से सूर्या कुमार यादव ने जो है वो 55 बॉलों पे 100 स्कोर लगा के ये बता दिया भाई कि इस टाइम T20 में दुनिया का अगर कोई खतरनाक बल्लेबाज है ना भाई, वो सूर्या कुमार यादव है। आपसे मैं फिर से कह देता हूं, अगर आपको T20 में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज देखना है ना भाई, तो आप सूर्या कुमार यादव को देख लें, जिस तरह से ये बंदा खेलता है ना भाई, बिल्कुल जो बॉलर्स का आप ही कह सकते हैं कि बॉलिंग का मर्डर कर देता है ये। और आज फिर से वही जो पुरानी सूर्या कुमार यादव की झलक देखने को मिली है, और मार मार के जो उल्ली निकाल दिया साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। और यार मैदान का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर सूर्या कुमार यादव ने आज चौका ना लगाया हो, या सूर्या कुमार यादव ने आज छक्का जहां पर ना लगाया हो। वो विराट कोहली वाली बात याद आई है कि विराट कोहली अक्सर ये बोलते हैं कि यार सूर्या जब खेलता है ना, ऐसा लगता है कि कोई वीडियो गेम चल रहा है, तो वही बिल्कुल सीन लगा, ये छक्का ठक करके छक्का ठक छक्का ठक चौका, बस ऐसे ही जो है सूर्या की बैटिंग चलती रहती है। और यकीन माने मैंने जिस तरह से शॉट्स खेलते हुए इसको देखा हुआ है ना, मैंने अपनी लाइफ, आशा करता हूँ वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया, वीडियो बहुत अच्छा था, और मैं पाकिस्तान रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और भारत माता की जय।